हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे होंगे? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइस तो बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। नहीं, हम तुझे क्या बताएं कि कौन है तीन लोग, कि उनका नाम गड़ा दो, साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे? तुझे तो खुद पता होगा, जब तूने लिखवाए हैं, तूने FIR की है, तो तुझे तो खुद पता होगा कि किन किन के हमने नाम लिखाए हैं। एक जो कमेंट किया है नीतू नाम की, जो ये बार बार उल्टा सीधा बोलती है मेरे में, मुछ कटा, ये वो फलाना ढिकाना। तू जैसे बोल रही है ना, तेरे घर में भी तेरे 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 भैया, तेरे बाप, उन्हों बेउसाल मुछ कटा हुए हैं। मुछ कटा है कि कहाँ कटा है, पहले अपने घर में देख तेरी कहाँ कहाँ कटी है। और जो एक कमेंट कर रहा था कल, मतलब मेरी जो घर वालों ने वीडियो डाली उसमें कमेंट किया है कि आप समझौता नहीं करना और अपने लड़के की बातों में मत फंसना, ये पता नहीं कौन सी चाल खेल रहा तुम्हारा लड़का। मतलब जब तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि लड़का चाल खेल रहा है, तो ऐसे समझो कि मेरे घर वाले मतलब मुझे मरवाने के लिए कितनी लंबी चाल खेल रहे हैं। हैं, ये जो भी कमेंट कर रहा है ना, ये कान खोल के सुन ले, अपने घर में पहले झांक के देख जाए तब। और तू कौन, पहली बात होता है मेरे मतलब मेरे बीच में मैटर चल रहा है, तू कौन होता है कमेंट करने वाला भड़ुए, ये बता पहले कि इन इनकी बात को समझौता नहीं करना, इनको इसको जेल भिजवाओ। एक ने कमेंट किया है मुनेश राज कि कुत्ता तू भी तो कुतिया है ना, बोले तू देख अपना मुंह थोपड़ा, कुतिया आई थी लगा था, सुवरिया आई थी, साफ साफ उसमें बोलने की जरूरत क्या है भाई। जब तुमने नाम लिखवाया, तुम्हें क्या पता नहीं है कि हमने नाम लिखवाए हैं, किन के नाम लिखवाए? नहीं तो क्या बोल रही है कि क्यों सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, बात घुमा फिरा के कर रहे, मतलब हम सबको बेवकूफ़ बना रहे, तू नहीं बेवकूफ़ बना रही है। वो क्या बोल रही है कि वो बोल रही, मैंने मतलब तू जैसे बोल रही है कि मैंने घर से तुम्हें निकाला, तुम लोगों ने घर से नहीं निकाला, और क्या मतलब पड़ोसियों वालों ने निकाला है क्या, कि हम पड़ोसियों घर में रहते थे कि आप वो कह देंगे कि जाओ मेरे घर से निकल जाओ, तुम ही लोगों ने निकाला घर से, तब हम घर से निकले बाहर। हमें कोई शौक नहीं थी जो हम प्रदेश में मारे मारे घूमाए। उन्हें तुझे कोई मजबूर नहीं किया था चैनल बनाने से, ठीक, तुम लोग खुद में तुम दोनों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े थे कि चैनल बना लो चैनल बना लो, कि घर में अपने सब लोग वीडियो बना के डालो। हैं, मतलब खुद बोलती है खुद अपने मुंह से सफाई मार रही, मतलब हमसे मतलब उल्टा तू मेरे ऊपर आरोप धरे। हैं, मतलब तो ही एक हाथ से ताली बज जाता है, या बता पहले, एक हाथ से ताली बजत नहीं है क्या? सारी गलती मेरी है, तेरी कुछ गलती नहीं है तुम लोगों की। मुझे मजबूर नहीं किया गया था, ठीक है, तुम दोनों को वीडियो बनाने का भूत चढ़ा था फेमस होने के लिए, उसे बेवकूफ़ बनाओ जो बन जाए। जब तू एप्लीकेशन लगाएगी, जब तू शांत नहीं रहेगी तो हम शांत रहेंगे? तूने कानूनी कार्रवाई की है, हम भी अब कानूनी कार्रवाई ऑनलाइन हम भी करेंगे, शांत हम भी नहीं रहेंगे भाई। हम भी अपने बचाव के लिए हम मजबूर भाई, तुमने की है कानूनी कार्रवाई तो हमें तो करनी पड़ेगी अपने बचाव के लिए, जब तुमने सहारा लिया तो हम भी तो लेंगे कानून का सहारा भाई। हमने तुझे खूब समझाया कि नहीं समझाया कि उल्टा सीधा मुंह से बोलना बिल्कुल बंद कर दे, और तू मान नहीं रही है, अब तुझे समझ में नहीं आ रही है, हैं? तुझे कैसे समझाएं, तू कैसे मानेगी? अब तू अगर मानेगी नहीं तो फिर हम भी नहीं मानेंगे, तुझे समझा समझा के हम हार चुके हैं बिल्कुल। अब अगर हमने तुझे अगर ये सब काम करने से मजबूर किया है ना, तो तूने भी तुम दोनों लोगों ने मुझे भी बहुत मजबूर किया है ये कदम उठाने में, ये हालात करने में। हमें कोई शौक नहीं है जो हम ये कदम उठाते हैं। जैसे तू बोल रही है कि साफ साफ नाम बोलो कि किसका नाम कटवाना चाहते हो, तूने जो नाम लिखवाए हैं, मतलब रश्मि और बोबी राधा, इन तीनों का नाम कटवाएगी, हम तुझे हर बार झुकने में मजबूर नहीं करते हैं। जब तू मुझे झुकने मजबूर करती है, जो अगर तू मुझे अगर झुकने मजबूर करेगी, अगर हम झुकेंगे तो तू भी झुकेगी, ये बात याद रखना। ऐसे बोल रही है कि समझौता वीडियो पे नहीं होगा ना, घर में बैठ के होता है, ये चीज़ हम भी जानते हैं कि घर में नहीं समझौता होगा। तू जैसे बोल रही कि जहाँ बताओ तहाँ आ जा, वहाँ समझौता हो जाएगा जहाँ, अरे भाई हम तो मान लो दो लोग आ जाएंगे, अब तू लेके आ जाए 50, अब तू 50 लोगों के बीच में अगर हमें मरवाए देवे तो तेरी, जब तू ऐसे मुँह से शब्द निकालता है, ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलता है, तो तेरी बात पे हम कहाँ भरोसा करें बताओ। हाँ, कोर्ट में आएंगे हम, बहुत जल्द आने वाले हैं, परेशान ना हो,
अब जैसे तूने कानूनी कार्रवाई की है, ऐसी हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे ऑनलाइन। इसके बाद जब कार्रवाई करेंगे तब कोर्ट में हम भी आएंगे, कोर्ट से ही लिखा पढ़ी लेंगे, तब इसके बाद घर में कदम रखेंगे। तो बोल रही है कि तेरे जैसे हम चैनल बहुत खड़े कर सकते हैं। तू चैनल नहीं खड़े कर सकती, तू मुझे मरवाने के लिए चैनल जैसे तू आदमी खड़े कर सकते हैं। निरे आदमी तो वैसे भी तेरे निरे लगे हुए हैं चारों तरफ, एक एक ऑटो वालों को तूने नंबर दे रखा है, एक एक दुकानदार को तूने नंबर दे रखा है कि हाँ ये कब और कहाँ दिखे, मुझे तुरंत कॉल करना। नहीं, उसने अपने गांव में 2-4-10 लोगों के ऊपर बलात्कार लगवाए। किसके ऊपर 10 लोगों को बलात्कार लगवाए? पूरे अरियारी के अंदर पूछा। अगर यही बात है तो वीडियो में कोई अरियारी के अंदर 10 आदमी नहीं, 5 आदमी वीडियो अपनी वीडियो में ले आ दिखा कि हाँ कि ये आदमी के ऊपर बलात्कार लगो है। दिखा तू सच्चाई, यहाँ मेरे ऊपर बलात्कार लगाओ, मेरे ऊपर लगाओ। जौन जौन आदमी के ऊपर लगो तौन आदमी वीडियो में फ़ोटो लिया या वीडियो में कबा सामने कि हमारे ऊपर लगाओ। नहीं, तू क्या बोल रहे कि हम क्यों बोलें कि हमने क्यों कहा है कि मर जाओ? तूने एक वीडियो में तो बोला कि निकल गए, अब तीवार मौका निकल गया कि अब तीवार हाथ लगेगी तो जान से मरवा देंगे, तूने खुद बोला वीडियो में। पहली बात तू मरवाएगी क्या? तूने इतने सारे आदमी लगा रखे हैं मेरे लिए चारों तरफ कि तू किसी को 1-2 लाख रुपए देके मरवा देगी, मुझे ये पता है। वो तो बोल रही है चैनल पे मतलब सफाई मतलब बचाने के लिए मतलब बेच दिया है। अब चैनल अब उसने बेचा नहीं है, शॉर्ट वीडियो आ रही है। कौन सी शॉर्ट वीडियो आ रही है? तो क्लिप लगा दिखा, क्यों इतनी झूठ बोल रही है तू? हमें यही समझ में नहीं आ रही है। वो चैनल बेचा गया था, मेरे सामने बेचा गया था, चैनल बेचा था 20,000 रुपये का। अब लोग ऑडियंस आप देख रहे हो कि मतलब सरासर झूठ बोल रही है कि चैनल बेचा गया और कि वीडियो भी आ रही। आपने जब से चैनल बेचा है एक भी सिंगल कोई वीडियो आपने देखी है राधा रानी पे कि हाँ मतलब इन्होंने वीडियो बना के डाली है राधा रानी चैनल पे? उसने अपने लड़की का घर नहीं उजाड़ा, ठीक है, वही लोग सही नहीं है, समझ में आई? उन्होंने तो 3-4 बार अपनी लड़की को भेजा ससुराल और अभी भी भेज दिया है। अब वो जैसे बीमार है लड़की उसकी, अब वो ससुराल वाले मतलब उसका इलाज नहीं करा रहे, तो आदमी जब इलाज नहीं कराएगा तो आदमी अपनी लड़की तो अपने पास बुलाएगा? एक चीज़ आप बताओ ऑडियंस भैया, मतलब फिर आप ये बोलते हो कि लड़का बहुत बदतमीज है, उल्टा सीधा बोलता है, ये क्या मतलब बोल रही कि इसकी लड़की प्रेग्नेंट थी, इसने अपनी लड़की को खुद दवा खिलाई? मतलब किसी का अगर बच्चा पेट में है वो मतलब माँ अपने औलाद अपनी बिटिया को मतलब दवा खिला देगी? उतना झूठ बोलो जो भगवान के घर में जाने में ठिकाना रहे, कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है, उतना झूठ आरोप लगाओ जो भगवान के घर में ठिकाना रखो अपना। तुम दोनों लोग जैसे तूने ड्रामा कर वो चालू करो है ना, ऐसे दुनिया में शायद कोई ड्रामा नहीं करी है भाई। अगर हम ये परमात्मा ऊपर वाले का ड्रामा करत हों भगवान, हमें मतलब हम तो यह कहते हैं कि हमें पता ना चला कि हमारे शरीर को टुकड़ा कहाँ मरें, कहाँ जिए, हमारे तिनका ना मिला है। हम तो कहते भोले बाबा, अगर हम झूठ बोलत हों तो भगवान दिखे, ये लोग अगर सही बोलत हों तो भगवान दिखे, भगवान ही न्याय करे। तो बस गाइस अपनी वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।